कोलकाता लज्जा घटना पुलिस को पुणी भर्सना कले सुप्रीम कोर्ट। पश्चिमबंग पुलिस व्यवहार अत्यंत लज्जाजनक। 30 वर्ष भितर एभली मामला देखिनु बोली कहिले जस्टिस पारदीवाला। पश्चिमबंग पुलिस तदंत को नहीं प्रश्न उठाई सुप्रीम कोर्ट। पोस्टमार्टम पर मामला रुजु को नहीं उद्वेग प्रकाश कर। पोस्टमार्टम पर मामला रुजु अत्यंत आश्चर्यचकित। जदि स्वाभाविक मृत्यु थिला तबे पोस्टमार्टम काहीकि हेला ए प्रश्न उठा जाए। स्टाटस रिपोर्ट रे हॉस्पिटल कर्तृपक्ष को दायी कर सीबीआई। सीबीआई द्वारा करा अनुसंधान रु पीड़िता गण दुष्कर्म शिकार हो नथिबा दर्शाई। ए मामलें केवल संजय रायर संपृक्ति जातीय गणमाध्यम चर्चा होती। डीएनए रिपोर्ट में जनकर संपृक्ति दर्शाई किंतु एने तदंत जारी रही। सेपटे आंदोलनरत डाक्तर को कार्य जोगदेक कोर्ट नचे रोगी सेवा ठप हो। सुप्रीम कोर्ट कहते जदि से फेरबे तेज कौन प्रतिकूल कार्यानुषान ग्रहण करना। आज जो सीबीआई रो स्टेटस रिपोर्ट रे एंटायर बेंच जो खंडपीठ सरप्राइज शो करथिले बहुत मर्माहत होते जे घटना जिते होता गोटे दिन पूर्वर इमिडिएटली ता पर दिन सका गोटे डिफरेन्टली प्रोजेक्ट करा अननेचुरल डेथ हिसाब से छटा रु सतटा संध्या बेलू पोस्टमार्टम होता। बाय दैट टाइम एज फार एज द सीबीआई रिपोर्ट इज कंसर्न टिल 11:45 कौन सी प्रकार एफआईआर नाला केवल जनरल डायरी होता 10:10 सका। एवं वर्तमान जो पीएम रिपोर्ट दैट इज ऑल्सो स्ट्रेट अवे इंडिकेट्स दैट देर इज ए स्ट्रांगुलेशन एंड रेप हबार पीएम रिपोर्ट आसी। ता छड़ा जो सिक्वेन्स अफ इवेंट्स सबुठ सुप्रीम कोर्ट जो थे सरप्राइज व्यक्त करते सिक्वेन्स अफ इवेंट्स जो होता से छटा बेले जिते छटा रु सतटा मध्य पीएम रिपोर्ट है टिल 11:45 तुषार मेहता एसजी कहते एट 4:40 नेक्स्ट डे मॉर्निंग रे एंटायर इनक्वेस्ट हबार जदिओ कपिल सिब्बल सी बेंच को कन्विन्स करुले जेहेतु इमिडिएटली देर वाज एन मजिस्ट्रेरियल इनक्वारी एंड आफ्टर 3 to 4 डेज द एंटायर इन्वेस्टिगेशंस वेर हैंडेड ओवर टू द सीबीआई। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।